वेलकम टू speedlearning.in। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमको टेक्निकल स्क्रीनर्स अवेलेबल होते हैं। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस को हम लोग अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मटेरियल भी ऐसा मिल जाता है जो टेक्निकल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में जो सबसे बड़ी परेशानी महसूस होती है कि जितना आप टेक्निकल एनालिसिस को समझते जाते हैं कन्फ्यूजन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। 50 तरह के इंडिकेटर्स हैं, 50 तरह की नई नई बातें मालूम पड़ रही है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस वक्त कौन सा इंडिकेटर अप्लाई करें, उसको कहाँ ढूंढे। हमने कैंडलस्टिक समझ लिया, कैंडलस्टिक की 40 कैंडल्स के बारे में पता लग गया, पैटर्न्स के बारे में। अब चार्ट में कहाँ ढूंढेंगे वो, कहाँ बन रहा है? तो इसके लिए स्क्रीनर्स काफ़ी काम में आते हैं। तो ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिनकी लिंक हम आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं जो टेक्निकल स्क्रीनर्स को बताते हैं। ऐसा ही एक स्क्रीनर है, बोलिंगर पेंट स्क्वीज्ड एंड बोलिंगर पेंट स्क्वीजिंग। तो बोलिंगर पेंट क्या चीज़ है, ये आपको रिलेटिव हाई और रिलेटिव लो डिफाइन करता है। यह हमने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो बोलिंगर पेंट जब स्क्वीजिंग करके आता है स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि मूवमेंट चल रहा था, अब ये मूवमेंट खत्म हो गया और रेंज बनने लगी। इस तरह की चीज़ें जिसमें रेंज बनने लगी हो उसमें आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप कॉल और पुट का शॉर्ट सेलिंग कर दें, राइट करें ऑप्शन को, और वहाँ पे प्रीमियम धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो दो चार दिनों में जब तक वो रेंज बनती है आप वहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन आपने 10 रुपये का कॉल, 10 रुपये का पुट, 20 रुपये का कॉम्बिनेशन बनाया था, रेंज होने की वजह से वो कॉम्बिनेशन 70 रुपये का दिखने लगा, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। तो बड़ा मूवमेंट था उसके ठीक पीछे रेंज आ जाएगी। तो वो इंडिकेटर, वो स्टॉक्स कहाँ नजर आने लगेंगे, बोलिंगर पेंट्स स्क्वीजिंग। और फिर एक ऐसा ही मिलता जुलता इंडिकेटर है लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, बोलिंगर पेंट स्क्वीज्ड। स्क्वीज्ड मतलब रेंज अब खत्म हो चुकी है, रेंज कंप्लीट हो गई और किसी भी वक्त मूवमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे हम कॉल और पुट को बाय करके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाएंगे बाइंग कॉल एंड बाइंग पुट। अगर आप कैश में काम करते हैं तो जब स्क्वीजिंग वाला इंडिकेटर दिखे तो आप अकुमुलेशन शुरू कर दीजिए स्टॉक्स का, और 1-2-3 के रेशो में खरीदो, और बाद में जैसे ही स्क्वीज्ड हो जाए तो आने वाले समय में आपकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। जैसे ही बढ़ता चला जाएगा बड़ी रेंज के वक्त, हम उसमें अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देंगे। तो आपको ये इंडिकेटर्स, ये स्क्रीनर्स वेबसाइट्स पर मिल जाएंगे, इनकी लिंक हमने आपको आपके टेक्स्ट लेसन में और वीडियो लेसन के साथ में भेजी है जो ट्रेनिंग में हम डेली आपको भेजते हैं। और बाकी जो डिस्कशन है, बाकी जो बारीकियाँ हैं वो फ़ोन पे डिस्कस करके ही क्लियर होगी। तो आप रेगुलरली जो कुछ भी हम यहाँ से डिस्कस करते हैं उसको समझते रहें, उसको प्रैक्टिस करते रहें, और साथ में हम जो ट्रेडिंग कॉल्स आपको भेज रहे हैं उनको अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो आप अपनी ट्रेनिंग फी का कम से कम 7-8 गुना रिकवर भी कर पाएंगे। लेकिन इस बात के लिए जल्दबाजी मत कीजिए। आप जब ट्रेनिंग ले रहे हैं शुरुआत में आपको 300-400 रुपये, 500 रुपये का प्रॉफिट भी होता है, इट्स ओके, इससे कम भी होता है तो चलेगा। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक महीने में आपको चीज़ें एकदम से समझ में आने लगती है तो आप 1000 रुपये पर डे से ऊपर के लेवल पे जा सकते हो। तो 2 या 3 महीने बाद वहीं 1000 से 3000 रुपये पर डे के लेवल पर पहुँच जाना आसान बन जाएगा। तो शुरू में ग्रोथ बहुत धीमी हो सकती है, आपको अपने ऊपर भरोसा कम हो सकता है, आपको हमारे ऊपर भी थोड़ा भरोसा कम हो सकता है कि जो टारगेट आपने मन में सोचा है आप वहाँ तक पहुँच पाओगे कि नहीं। ऐसे में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि लगातार जो बताया जा रहा है उसको प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि इसमें जाने में कुछ नहीं है, आने को तो स्काई इज़ द लिमिट। सो जस्ट कीप द फेथ इन योरसेल्फ एंड ए लिटिल बिट इन अस। थैंक यू, बाय, गुड नाइट।